पहले के जमाने की दाइयों में जितनी अक्ल थी उतनी अगर नर्सों को अक्ल मिल जाए और आजकल के डॉक्टरों को अक्ल मिल जाए तो मुझे बड़ी खुशी होगी। 9-10 महीना माता के अंग से जो नाभि के द्वारा जुड़ा हुआ बच्चा जन्मते ही तुरंत उसका नाभि छेदन कर लेते हैं, ब्लड सर्कुलेशन चालू है और नाभि छेदन होने से बच्चे को थोड़ा झटका लगता है दुख का। फर्स्ट इम्प्रेशन इज द लास्ट इम्प्रेशन। जन्मते ही उसे संसार का दुख का झटका लगता है, भयभीत हो जाता है। बड़ा कई ब्रिगेडियर भी मेरे आश्रम में अभी रिटायर होकर आश्रम संभालते हैं, पहले मेरे शिष्य थे, अभी भी शिष्य हैं। कई कर्नल जनरलों को मैं जानता हूं, कई मिलिट्री अधिकारी मेरे शिष्य हैं। लेकिन मैं दावे से कहता हूं कि वो जब ऑफिस में होते होंगे तो खुली बंदूक लेकर संतरी उनके अंगरक्षक बैठे, फिर भी ऑफिस में अगर 50 या 100 ग्राम की चूहिया या गिलहरी आ गई तो साहब डर जाते हैं। क्यों? अभी आपके पास भी आ जाए गिलहरी तो आप चौकन्ने हो जाएंगे। आपका कसूर नहीं, गिलहरी का कसूर नहीं है, लेकिन बेवकूफ नर्स और डॉक्टरों का कसूर है। जन्मते ही नाड़ी छेदन कर लिया, नाभि छेदन। आपसे जो अन्याय हुआ आने वाली संतान के साथ वो अन्याय ना होने चाहिए कि आपके घर पोता पोती दोता दोती पुत्र पुत्री जो भी आए, नर्स और डॉक्टर को आज्ञा दो कि रुको 3-4 मिनट, ब्लड सर्कुलेशन बंद होगा, फिर मरा हुआ हिस्सा बाल काटूंगा तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, नाखून काटूंगा तो मुझे पीड़ा नहीं होगी, ऐसे बच्चे के नाभि छेदन से बच्चे को पीड़ा नहीं होगी। 3 से 4 मिनट रुकवा दिया करना। दिव्य आत्माओं को जगत में लाना ये भी एक साधना है, और जो आए हैं वो दिव्य बनाना ये भी एक साधना है। क्यों साधना? जय राम जी की। बोलो जय राम जी की। बच्चे को नाभि छेदन हुई, दाई ने स्नान कराया, स्नान करा के बाप के गोद में देना चाहिए बच्चा, और बाप का कर्तव्य है कि मीठे वचनों से बच्चे के कान में 7 बार ओमकार शब्द उच्चारण करें। ऐसे 7-7 करके 21 बार होता है, और बच्चों को होनहार बनाए, चाहे बच्ची हो बच्चा हो कंगले का हो चाहे अमीर का हो, लेकिन भारतवासी ये कर्तव्य करेंगे ताकि विश्व की आत्माओं का कल्याण होना है तो भारत से ही होना है, दूसरों की ताकत